जन्मदिन क्यों मनाना है? जन्मदिन इसलिए मनाना है, अभी लोग, आपको क्या लगता है जन्मदिन क्यों मनाना है? सब क्यों मनाते, केक काटते, सब दोस्तों को पार्टी देते, खाना खिलाते, सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन वही दिन तो उससे क्या हो गया, उससे क्या हो गया? आ तो आ गए, रोज लाखों लोग पैदा होते हैं, रोज सब सोते तो 10 लाख लोग उठते नहीं रोज सुबह, तो ये तो चलता है, दुनिया का नियम है, आने वाले आते जाने वाले जाते ही, उत्सव क्यों मनाना है? लेकिन अभी सबका रीत अलग अलग है मनाने की, कोई केक कट करके मनाता है, कोई जंक फूड खा के मनाता है, कोई इधर सत्संग करके मनाता है, कोई हार वह पहन के या फिर मिठाई से बांट के करता है, ऐसा क्यों करते हैं? क्यों, क्या क्या लगता है, क्यों उत्सव क्यों होना चाहिए? देखो अपने शास्त्रों में वर्णन किया है कि हम 84 लाख योनि के अंदर भटक भटक के लास्ट का योनि में आते, मतलब 83,99,999 बर्थ हम कीड़ा मकोड़ा गाय भैंस बकरी झाड़ क्या क्या थे पता नहीं, वो सब हो के इस लायक बने कि हम मनुष्य बन सकते। ये 84 लाख योनि में से 84 लाख योनि में से केवल मनुष्य मात्र ऐसा जीव है जिसको सोचने की बुद्धि है, समझने की बुद्धि है, और वो सोच के नया कर्म कर सकता है। लेकिन बाकी सारे जो जीव है, जो सारे क्या बोलते हैं स्वरूप है, 83 लाख बाकी जो योनि है 99,999, उसको सोच करके नया कर्म करने की समझण नहीं है, भगवान ने वो विवेक नहीं दिया है, तो वो इसलिए वो पाप में अटकते जाते हैं। अभी जो कोई सिंह है तो वो क्या करता है, मांस खाता है, तो सिंह मांस खाता है तो वो तो उसको तो हत्या का पाप तो लगेगा, लेकिन उसको समझण नहीं है। बस वही अगर फिर मनुष्य भी करता है तो वो भी पशु समान हो गया, लेकिन नहीं तो वो विवेकवान है, विवेकहीन नहीं है। तो इस ये हमको मानव देह मिला ना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप भी यही जवाब बोले कि दुनिया में हम पैदा हो गए उत्सव, मतलब प्रकट हो गए तो उत्सव होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए? तो उसके पीछे एक पार्श्वभूमि है कि ये लास्ट का जन्म है। अब वी हैव ए ऑप्शन, वी आर एट ए टर्निंग पॉइंट ऑफ अवर, जब से हम बने तब से 84 लाख बर्थ टाइम से, कि हमको अभी मुक्त होना है कि फिर ये 84 लाख के जन्म मरण के बंधन में फंसना है। अब हम इस लायक हैं इसलिए तो हमको मानव देह मिल गया, अब आगे हमारे लायक ही हमको डिसाइड करना है कि हमको ये सुख दुख क्या, किसी का चॉइस नहीं है, सुख हम भोगते उससे पहले खत्म हो जाता है, और दुख किसी का चॉइस हो नहीं सकता। किसको, वो द्रौपदी और मीराबाई जैसे कोई भक्त होते हैं कि हमको दुख दो, क्यों दुख में भगवान याद आता है, इसलिए दुख मांगा है, लेकिन उसके अलावा किसी को दुख पसंद नहीं है। तो सुख और दुख तो ये अपरेंट है, चलते रहता है, तो जो क्षणिक है उससे सुख दुख है। अभी आप कितना 20 ईयर्स के हो गए, 21, 22 के हो गए, 22 साल पहले जब आप पैदा हुए तो घर में कितना खुशी थी, आपके सब एकदम खुश माहौल था। अब लेकिन 22 साल बाद अगर आप आपके घर वालों की बात नहीं मान रहे तो उनको गुस्सा आएगा, बोले कहाँ पैदा हो गया ये बोलेंगे कि नहीं। व्यक्ति वही है, क्या बोलते, व्यक्ति वही है, लेकिन एक टाइम पे 22 साल पहले खुशी हो गई थी, अभी क्या हो रहा है, दुख हो रहा है कि भाई हमारा लड़का हमारा बात, कोई आप मतलब आप नहीं कोई भी है कि वो हमारी बात नहीं मान रहा है, तो ये क्यों? क्यों दुख और सुख उस वस्तु में से प्रकट होता है जो नश्वर है, लेकिन जो अखंड निरंतर हमेशा रहने वाली है उसमें से दुख नहीं, उसमें से आनंद प्रकट होता है। सुख और दुख ये अपोजिट वर्ड्स है, विरुद्धार्थी शब्द है, लेकिन आनंद का कोई विरुद्धार्थी शब्द है, क्योंकि आनंद ये स्थिति है। जो व्यक्ति आनंद में रहता है उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो हमने सुना इतने चरित्र है, भूखा प्यासा नंगा फकीर बैठा हुआ है, लेकिन अखंड आनंद में कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, ये आज भी स्थिति है, हमें ढूंढना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आनंद की स्थिति को प्राप्त करना ये जीवन का उद्देश्य। तो ये आनंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम इस मनुष्य देह हमको भगवान ने दिया है, तो वो समझ के वो सब श्रीमद् भगवद गीता जी का सार यही, सारे वेद पुराण शास्त्रों का सार यही कि जिस भी प्रकार का हम जीवन जिए, जीवन जीने का जो टाइप है प्रकार है वो धर्म है, जो यथायुक्त, तो वो धर्म का इसका सबका क्या आशय क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आत्मा का परमात्मा में मिलन होना चाहिए, कि उसके लिए जो भी 3 मार्ग भगवान ने बताए, फॉलो एनीवन, फॉलो ऑल, जो जितना पॉसिबल होता है। अरे देखो सब छोड़ छाड़ के ज्ञानी की तरह ज्ञानी योग तो नहीं करेंगे, सब छोड़ छाड़ के हरे राम हरे कृष्ण भक्ति तो नहीं करेंगे, और सब छोड़ छाड़ के कर्मयोग करने वाले कुछ है, लेकिन बिना भक्ति के मुक्ति नहीं है। तो बहुत सारे एनजीओ है जो निस्वार्थ सेवा करते हैं,
लेकिन बिना भक्ति के मुक्ति नहीं है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो बिना भगवत भाव के कोई काम में रस नहीं, जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं, ये बात है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा दिन है कि भगवान ने हमारे मनुष्य देह दिया और इतना इतना हम भोग के आए, लेकिन हमको अभी कैसा है उसकी समझण नहीं है, कि वो एटमोसफियर नहीं, एनवायरमेंट नहीं है, सब लोग चल रहे इसलिए चल रहे ऐसा हो गया। तो ये बात को हमको समझना है। तो ये जन्मदिन का ये महत्व है कि हमारे ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, फिर 84 लाख योनि, 84 लाख साल, एक दिन का एक एक साल का एक योनि भी अगर बोला तो कितना लंबा होता है, उसमें वेरिएबिलिटी है। कोई पीपल का झाड़ है तो 200-300 साल भी रहता है, कोई चींटी है तो 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी, मच्छर है तो 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, वो वेरिएबल है। लेकिन 84 लाख योनि समझो एक एक साल भी पकड़ा वो कितना होता है, किधर हम भटक के आएंगे, तो ये कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये रियलाइज करने की बात है कि भाई आज हम हमको भगवान ने वो प्रकट है, अभी हम 22 साल कंप्लीट हो गए, अभी हम कितना उसके उस हेतु के ऊपर कितना काम किए सोचना, और नहीं किए तो अब कब शुरू करना है फटाफट, क्यों, क्योंकि ये हम कब मरने वाले हमको पता नहीं, वो अनदर सरप्राइज कि सोए और उठे नहीं, कल पता चला तो क्या, जन्म तिथि मरण तिथि सब एक। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जल्दी जल्दी रियलाइज करना और सत्संग भजन करना, सेवा करना और जीवन के उद्देश्य को पार लगाना, इतना बड़ा ये दिन है कि हमको ये अवसर मिला है। तो ये जन्मदिन की महत्व है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।